नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधिका मेकओवर्स में। आज मैं आपके लिए हाईलाइट लेके आई हूँ। ये रेड कलर का हाईलाइट्स हुआ था, ये मेरे पार्लर का रियल वर्क है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने ये कलर लिया हुआ है, रेड कलर लिया हुआ है, स्ट्रिंग्स का लिया हुआ है, ब्लॉन्डर कलर और डेवलपर लिया हुआ है। इसको आपको बराबर मात्रा में मिक्स करना है। ब्लॉन्डर डालना चाहता है ताकि आप पहले जो कलर है उसको कट कर सकें, मेहंदी वगैरह लगी हुई है तो उसको कट करके आप कलर दे सकें। यहाँ पे इनको डार्क रेड कलर चाहिए था तो उसके लिए हमने ब्लॉन्डर एक मात्रा में रेड कलर और उसी मात्रा में डेवलपर, तीनों चीज़ें मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जो कि हम इनके हेयर में अप्लाई कर रहे हैं। इनको हाफ लेंथ में चाहिए, यानी कि नीचे के हेयर में चाहिए था, तो उसके लिए आप नीचे वाले बालों को, इसको भी हमने पार्टीशन में कर लिया था और धीरे धीरे सारे बालों में लगाते हुए थोड़े थोड़े पार्ट लेके हम सारे बालों में लगा देंगे और फॉइल पेपर से सेट कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको दो तरीके से बता रही हूँ। एक तो मैंने फॉइल पेपर पर लगाया और उसको फॉइल पेपर के साथ ही रैप कर दिया। एक है तरीका जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो आपको क्या करना है, ब्रश से कलर लगाना है और फिर सारे बालों को हाथ से कलर बालों में मर्ज करा देना। बहुत ही थोड़ा सा हाथों को चलाइए, रगड़िएगा बालों में कलर को, जिससे हर एक बाल में कलर लग जाए, कोई भी बाल ऐसा ना बचे जिसमें कलर डिपॉजिट ना हो पाए। तो उसके लिए आप पहले इस तरह से काम करके फिर फॉइल पेपर में रैप कर दीजिएगा, तो देखिएगा रिजल्ट कितना अच्छा मिलता है आपको। इसी तरह से अब देखिए, ये सारा कलर हमने अच्छे से बालों में लगा दिया। अब हम इसको फाइल पेपर से सेट कर देंगे। एक बार थोड़ा सा कलर फिर डाल के इसके ऊपर इसको हम रैप कर देंगे फाइल पेपर के साथ में। और इसको आपको 15, जैसे ही आपका लास्ट वाला होने का होगा, 15 से 20 मिनट बाद आपको रीचेक करना होता है और थोड़ा सा कलर फिर से उनमें डिपॉजिट करना होता है। आपका लोगों का ये रहता है कि कलर रह गया नीचे हमारा, सारे वालों में एक जैसा नहीं आया, तो उसके लिए आप रिपीट चेक करके 15 से 20 मिनट बाद फिर से उसमें कलर डाल के ब्रश चलाया करें, ताकि कोई बाल अगर रह रहा है तो उसमें फिर से कलर वो लग जाए। ये देखिए, ये फिर हमने लिया। ये वाला जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप हाफ लेंथ में काम कर रहे हैं तो इस तरह से हाथों में ग्लव्स वियर ज़रूर कीजिएगा, ताकि काम आपका प्रोफेशनल लगे। और ये देखिए, थोड़ा सा हार्मफुल भी होता है तो हाथों की स्किन को नुकसान ना करें, ये इसके लिए आप ग्लव्स वियर ज़रूर करें। और काम ऐसा करें अपने पार्लर में नीट एंड क्लीन, ताकि काम करवाने वाले को अच्छा लगे, देखने में भी प्रोफेशनल आप लगें। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करते हैं तो आपका क्लाइंट भी हैप्पी होता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है आपको। ये देखिए, सारे बालों में हमने कलर लगा दिया और इसको हमने फाइल पेपर में फिर से रैप कर दिया। और क्रॉस चेक करते रहिएगा, जैसे ही आप लास्ट तक पहुँचेंगे, आई थिंक 10-15 मिनट हो जाते हैं, तो आप जो पहले वाला है उसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, रिपीट देखिएगा उसमें कलर कितना लगा। और इसी तरह से सिंपल वे में हाईलाइट करना होता है। इसमें जो अगर आप 40 वाला वॉल्यूम देना है आपको, 40% डेवलपर आपको यूज करना है, ताकि कलर आपको अच्छा मिल सके। और अगर आप रूट पे काम कर रहे हैं तो आपको 20% देना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 40% जो वॉल्यूम है वो आप स्कैल्प पे नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे वालों में यूज कर रहे हैं, तो हमने 40% डेवलपर का यूज किया हुआ है। और ये मेरी पुरानी क्लाइंट हैं, ये मुझसे पहले भी करा चुकी हैं, तो रेड कलर इन्होंने पहले भी कराया था। और इनको एकदम से जो पर्पल वाला रेड होता है वो कलर चाहिए था, जो इनको इस बार मिला और इनको बहुत ही पसंद आया था। आप बताइएगा कलर, आप देखिएगा बताइएगा आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर इस बीच भी आपका कलर नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, फाइल पेपर निकाल देने हैं और फिर जो कलर है उसमें 20% वॉल्यूम मिला के 5-10 मिनट के लिए आपको रिपीट कलर कर देना है, ताकि कलर और भी अच्छे से कैच कर ले और थोड़ा सा हाईलाइट होके कलर निकले। तो इन सब थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप, और फिर देखिएगा काम करिएगा। और सबसे पहले जो करना होता है आपको, क्लाइंट का हेयर बॉस या तो आप करवा लीजिए या क्लाइंट को बोल दीजिए वो बॉस करके आए। प्रोफेशनल वे में जाना चाहते हैं तो आप वहीं पे अपने पार्लर में बॉस करें और फिर ये काम करें। उसके बाद में फिर आपको प्लेन मोटर से बॉस करना है और कंडीशनर लगा देना है, सीरम लगा के आप ड्राई हेयर कर दीजिएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे स्ट्रेटनिंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं, ताकि रिजल्ट और भी अच्छा मिल के आता है। हमने यहाँ पे ड्रायर बॉस का सेक्शन हमने नहीं दिखा पाए आपको, हेयर वॉश कर दिया था, क्योंकि प्लेन वाटर से बॉस ही करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें।
वो करके आप जैसे ही आपका कलर हो जाए इसको आपको 30 से 40 मिनट रखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, वो कलर आ जाता है। और नहीं आ रहा है तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया 20% में, जैसे यहाँ पे रेड कलर था तो रेड कलर मिक्स करके आप ये फाइल पेपर के साथ में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा और फिर उसके बाद में आप फिर से कलर एक बार देखिए। अब ये जो पहला वाला था उसको मैं चेक कर रही हूँ कि अगर उसमें कहीं कोई बाल बच रहा है तो उसको मैं लगा दूँ। वॉश करने के बाद ये रहा इनका रिजल्ट, जो इनको चाहिए था वो ही मिला है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। बाय।